और अब वैक्सीनेशन में भारत के दम का विश्लेषण, क्योंकि 21 जून को भारत ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। 86 लाख वैक्सीनेशन के साथ भारत ने एक बड़ा विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये पूरे देशवासियों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए गर्व की बात है। 86 लाख में इसराइल की पूरी आबादी को टीका लग जाता है, 86 लाख में न्यूजीलैंड से दोगुनी आबादी को टीका लग जाता है। यानी अगर आप कंपेयर करेंगे तो कई 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 मुल्क पूरे के पूरे कवर हो जाते हैं इसके अंदर, और कई मुल्क को तो दो बार वैक्सीनेट किया जा सकता है। 86 लाख में 70% टीके बीजेपी और एनडीए शासित राज्य में लगे हैं। अकेले मध्य प्रदेश में ये रिकॉर्ड है बड़ा, 24 घंटे के भीतर 16 लाख से ज्यादा डोज दी गई है, और इंदौर में तो एक और नया विश्व रिकॉर्ड बना है। पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली 1 लाख का आंकड़ा नहीं छू पाया, जो कि विपक्ष द्वारा संचालित राज्य है। आइए मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ आज कौन कौन इस पैनल में जुड़ रहा है। मेरे साथ आज की चर्चा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से बीजेपी के डॉक्टर संबित पात्रा है, मणिपुर के प्रभारी भी है। मेरे साथ सुप्रिया श्रीनेत है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता नेता। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक है, और मेरे साथ आम आदमी पार्टी के संजीव झा है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है, संजीव झा विधायक भी है आम आदमी पार्टी के। मैं सबसे पहले डॉक्टर अजय आलोक आप ही से शुरुआत करता हूं। वैक्सीनेशन जो है वो महत्वपूर्ण है देश के लिए, ये हम सबको पता है, लेकिन आज राहुल गांधी साहब एक श्वेत पत्र लेकर आए हैं जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार को फेल करार कर दिया है। उन्होंने बोला है मौत के आंकड़े छुपा रही है ये सरकार कोविड मैनेजमेंट के नाम पर पूरी तरह से फेल हो चुकी है, और प्रधानमंत्री के आंसुओं पर भी वो बहुत कुछ बोले हैं। डॉक्टर अजय आलोक, अब देखिए अमीश, मैंने आपके डिबेट में पहले भी कहा है कि नकारात्मकता और कांग्रेस पार्टी ये भी एक पर्यायवाची शब्द है, और राहुल गांधी के बारे में आज संवित जी बहुत डिटेल में जवाब दे चुके हैं, तो उसको पुनरावृत्ति करके आपके डिबेट का समय क्यों खराब करें, क्यों उनको इतनी इंपॉर्टेंस दी जाए। वैसे भी कोई सरोजनी नायडू या फ्लोरेंस नाइटिंगेल तो है नहीं कि मशाल जला के चलेंगे या सबको रास्ता दिखाएंगे। इतना ही रास्ता दिखाना होता तो 4 से 14 तक UPA को रास्ता दिखा देते तो शायद अभी कुछ भला होता, और 14 के बाद अभी तक कांग्रेस पार्टी को रास्ता दिखाते रहते तो ये गति नहीं होती। बहरहाल मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। आज खुशी की बात यह है कि देश ने एक वैक्सीनेशन ड्राइव की एक अद्भुत रफ्तार पकड़ी है। कल 85 लाख से ऊपर से ज़्यादा लोगों को टीका लगा, और हमें सारे राज्य सरकार को, चाहे विपक्ष के हो, चाहे हमारी NDA की हो, केंद्र सरकार को एक ही संकल्प के साथ आगे बढ़ना है कि इस रफ्तार को अगले 6 महीने तक हम कायम रखें। यही हमारा सबसे बड़ा कोविड का सुरक्षा चक्र होगा, और इसी से हम कोविड की जंग जीत सकते हैं। मैक्सिमम वैक्सीनेशन, मैक्सिमम इम्यूनाइजेशन एट एनी कॉस्ट। अब उसमें कोई श्वेत पत्र लाए, कोई काला पत्र लाए, कोई पीला पत्र लाए, वैसे ऐसे पत्रों का कोई मोलभाव नहीं होता है, क्योंकि जो सरकार रहती है उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। तो बेहतर होगा सारे लोग सबके लिए कि अपने अपने राज्य सरकारों पर अधिक से अधिक ध्यान दें, क्योंकि वैक्सीन लगवाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तो श्वेत पत्र अपने अपने राज्य सरकार पर ले आइए पहले, कहीं ऐसा ना हो कि आप पीछे रह जाएं, सिर्फ श्वेत पत्र लगते रह जाएं, या कोई TV पे आते रह जाए वैक्सीन नहीं है जी, वैक्सीन नहीं मिल रही है जी, हमें वैक्सीन देना है जी, करते करते पहुंच गए, जाना था जापान, पहुंच गए चीन, मतलब वही गाना चरितार्थ हो जाएगा। तो बाकी अब राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, ये लोग डिस्कस करने के लिए लायक हैं या नहीं है, या दर्शकों पर छोड़िए जी। सुप्रिया श्रीनेत, आप तो डिस्कस करने के लायक ही नहीं है, तो श्वेत पत्र लाए, काला पत्र लाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आंकड़ा है हमारे सामने, क्योंकि आंकड़े बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। 86 लाख वैक्सीनेशन एक दिन में, जो कि विश्व रिकॉर्ड है, लेकिन पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पर 1 लाख का आंकड़ा नहीं छू पाया। छत्तीसगढ़ के बगल का राज्य मध्य प्रदेश, वहां पर 16 लाख डोज लगे, बताइए। आपने बहुत बढ़िया आंकड़ा दिया है, और क्योंकि आंकड़े झुठलाते नहीं है तो आंकड़ों पर ही बात हो जाए। और जो लोग कह रहे हैं कि इस शो में राहुल गांधी जी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, उनको इस शो में नहीं आना चाहिए था। सबको पता था आपका शो राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ही है, तो कोई जबरन तो लाए नहीं गए थे कान पकड़ के। खैर कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ आंकड़े बिल्कुल झूठ नहीं बोलते अमीश जी। आपकी रिपोर्ट ने, और आपने दो आंकड़े दिए, आपने 16 लाख का आंकड़ा मध्य प्रदेश का दिया, लेकिन आज मध्य प्रदेश में कितने टीके लगे आपको पता है? 4,563 का अभी तक मेरे पास आंकड़ा आया था, लेकिन मध्य प्रदेश में 21 जून से पहले कितने टीके लगे वो सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में 20 जून को लगे 692 टीके, 19 जून को लगे 22,000 टीके, 18 जून को लगे 14,000, 17 जून को उनके यहाँ 1,24,000 टीके लगे थे, और 16 जून को 3,38,000 टीके लगे थे। तो 5
जिस दिन जबरदस्ती जबरन टीकों को रोका गया ज्यादा दिखाने के लिए। यही कहानी कर्नाटक की भी है जो नंबर दो था वैक्सीनेशन पर, और यही कहानी उत्तर प्रदेश की भी है। कर्नाटक में कल टीके लगे थे 11,22,000 और आज लगे 3,48,000। तो आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। और आप जब हमारी सरकारों की बात करते हैं तो अपनी सरकारों के बारे में भी बता देती हूँ। 3,38,000 टीके 21 जून को महाराष्ट्र में लगे थे और संडे होने के नाते 1,13,000 लगे थे संडे को 20 तारीख को, और 3,81,000 सैटरडे को लगे थे। तो हमने क्योंकि इवेंट नहीं बनाना था जो मोदी जी को करना था, 21 जून को बड़ा इवेंट बनाना था, लेकिन उस इवेंट में ये भूल गए कि ये वनडे मैच नहीं है। उस वनडे मैच में तो आपने 80 लाख से ज्यादा टीके लगा लिए, लेकिन आज वो रफ्तार घटकर 47 लाख पर आ गई है। ठीक है, कल लगे थे 86 लाख, आज लगे हैं 47 लाख, घट गई रफ्तार क्योंकि आज इवेंट मैनेजमेंट नहीं हो पाया। तो हर चीज इवेंट मैनेजमेंट, सुर्खियां बटोरना, ट्विटर पे ट्रेंड कराने से नहीं चलती है। आपको काम करना पड़ता है। 5 दिन टीके रोक दीजिए और फिर कहिए लीजिए जी हम नंबर वन हो गए। नहीं तो सुप्रिया जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। राहुल गांधी ने बोला कि सरकार मौत के आंकड़े छुपा रही है। मेरी राय में आंकड़े 5 से 6 गुना ज्यादा है। तो आपको लगता है पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये तमाम राज्य मौत के आंकड़े को छुपा रहे हैं? तमिलनाडु में तो अब आपके गठबंधन वाली सरकार है, उसमें आपकी पॉलिटिकल हैसियत कुछ भी हो, लेकिन आपकी गठबंधन वाली सरकार है, वहां क्या बोलेंगे? क्या उन्होंने भी आंकड़े छुपाए? जो AIDMK के आंकड़े छुपा के गई थी सरकार, इन्होंने भी आंकड़े छुपाए तमिलनाडु में, तो दूसरी सरकार आई। बताएं 5 से 6 गुना खाली उत्तर प्रदेश से तो निकल के नहीं आएंगे ना, खाली मध्य प्रदेश से तो मैडम निकल के नहीं आएंगे, खाली गुजरात से तो निकल के नहीं आएंगे। ये आंकड़े तो छत्तीसगढ़ में भी होंगे, ये आंकड़े तो राजस्थान में भी होंगे। जवाब दीजिए इस बात का, क्या कांग्रेस शासित राज्य झूठ बोल रहे हैं? 30 सेकंड में जवाब मैडम इसका। मैं इसका जवाब दूंगी और जवाब भी आंकड़ों से दूंगी। जी जी, उत्तराखंड में कितने फर्जी टेस्ट हुए? 1,00,000 फर्जी टेस्ट हुए। मध्य प्रदेश में दैनिक भास्कर की क्या रिपोर्ट थी? 1,70,000 केस आए और कितने कम बताए गए ये बताइए मुझे। तो तैरती हुई लाशें किस और प्रदेश में मिली है? किसी और भाजपा शासित प्रदेश में भी मिली है? नहीं, उत्तर प्रदेश में मिली है। तो मौत मैडम अगर पूरे देश के आंकड़ों की बात हो रही है तो देश तो राजस्थान भी है ना, देश तो राजस्थान भी है, देश तो पंजाब भी है, देश तो महाराष्ट्र भी है, ये भी तो देश ही है। हाँ, लेकिन वहां पर नहीं, तो वहां पर नहीं होगा, वहां नहीं होगा, सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में होगा। ऐसा कैसे हो सकता है मैडम? कोरोना की सेकेंड वेव तो पूरे पूरे देश के अंदर आई, महाराष्ट्र से सेकेंड वेव चली आगे, चली कि नहीं चली? अमीश जी, तो फिर महाराष्ट्र ने लेट डेथ रिपोर्ट्स भी रिपोर्ट करी, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? उन्होंने बोला, उन्होंने जो डेटा रिलीज किया उसमें लिखा ये हम डेथ रिपोर्ट्स लेट रिपोर्ट कर रहे हैं, ये पुरानी है, पुराना डेथ टोल है, उनके आंकड़ों में आया, ऑफिशियल आंकड़ों में। हाँ या ना? लेकिन तो अगर आप बोल रहे हैं कि ये पूरा देश मौत के आंकड़ों पे झूठ बोल रहा है, तो उसमें अगर बीजेपी शासित राज्य आएंगे तो आपके राज्य भी बचेंगे नहीं। पॉइंट तो ये है ना अमीश, की डेथ और डेथ सर्टिफिकेट में जमीन आसमान का अंतर भाजपा शासित प्रदेशों से आ रहा है। जहां कर 16 लाख लग रहे थे, आज वहां पर 3 लाख। समित पात्रा इसका जवाब ले लेंगे। समित पात्रा, प्रधानमंत्री के आंसू उन परिवारों के आंसू नहीं मिटा पाएंगे। उन परिवार के लोग जानते हैं कि मेरे परिवार के माता पिता भाई बहन मेरे वहां प्रधानमंत्री नहीं थे। प्रधानमंत्री के आंसू ने नहीं बचाया, लेकिन ऑक्सीजन जरूर बता सकते